शिवम, वंशिका, शिवम, समर, रिधम, पाश। बेटा कैमरा ऑन करो। ओके ओके महक, गुड। व्हाट इज नॉट? यामिनी, यामिनी, यस मैम। व्हाट इज मैम अनोड, नॉट? अनोड इज अ कंप्यूटर ऑफ एनी अदर डिवाइस ऑन अ नेटवर्क दैट कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस। A node is a अनोड computer. कंप्यूटर। Node computer भी हो सकता है, कोई अदर डिवाइस भी हो सकती है, ऑन ए नेटवर्क, नेटवर्क पे, ठीक है, दैट कम्युनिकेट्स विद ईच अदर, ठीक है। टोपोलॉजी, व्हाट इज टोपोलॉजी? अक्षित, अक्षित, व्हाट इज टोपोलॉजी? अक्षित चौधरी, 12133। यस मैम। बट टोपोलॉजी इट इज द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग कनेक्शन डिफरेंट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज नोन एज मैम टोपोलॉजी। बेटा क्या रीड किया, एक बार फिर से रीड करो इसको, रीड अगेन। द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट डिवाइस कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। यस, और व्हाट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज आर देयर? अक्षित, मैं कह नहीं से यस मैम स्टार अक्षित, मैम स्टार टोपोलॉजी, रिंग बेसिक टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, यस, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड बस बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी। ओके, नाउ प्रोटोकॉल, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेज नंबर 13, प्रोटोकॉल। हु विल रीड? वंश, वंशपाल, रीड इट बेटा, प्रोटोकॉल। यस मैम। प्रोटोकॉल, ए इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइंस रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस बेटा इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल रीड करना है या प्रोटोकॉल रीड करना है? प्रोटोकॉल, इंटरनेट तो नेक्स्ट टॉपिक है ना बेटा, प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी। नो बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटोकॉल, नॉट इंटरनेट प्रोटोकॉल। ए नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफरेंसेस रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेट डिफाइंस 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 रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन नेटवर्क रिजल्ट कहाँ डिवाइसेस लिखा है? डिफाइंस रूल्स। रूल्स। फॉर अरे कम्युनिकेट बेटा, डिफाइन रूल्स। यस मैम कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। ओके, प्रोटोकॉल क्या है? व्हाट इज प्रोटोकॉल? अ नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस रूल्स, मींस सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स, क्लियर? यस मैम। प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो नेटवर्क के बीच में होते हैं। जैसे अब आप, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी, एचटीटीपी। इससे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि सेट ऑफ रूल्स क्या है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन रीड करेगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, आईपी स्टैंड्स फॉर अंशिका। यस मैम, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, इट इज द प्रोटोकॉल बाय विच डाटा इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज एट लीस्ट वन आईपी एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज इट फ्रॉम ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। When you send or receive data, the messages get divided in the form of packets. These packets contain both the
senders and the receivers IP address. The internet protocol just delivers them. Yes, internet protocol ke IP stand for internet protocol. It is the protocol by which data is sent from one computer to another computer. और इसका जो आईपी एड्रेस है हर कंप्यूटर का यूनिक होता है, यूनिक आईपी एड्रेस होता है. क्लियर? जैसे दो अंशिका होंगी क्लास में, तो अंशिका की आईडी है कि अगर 1279 है तो दूसरी की 127 नहीं होगी, उसकी अलग होगी, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा. अंशिका नेम तो दो लड़कियों की हो सकते हैं बट उसको एक पर्टिकुलर आईडी दी है, राइट? तो दोनों अंशिका को एक अलग अलग आईडी होगी. वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर को अलग अलग एक यूनिक आईडी होती है, यूनिक एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस. क्लियर? यस सर. इज इट क्लियर और नॉट? इट इज क्लियर. ओके गुड. जब भी डेटा वन पीसी टू अनदर पीसी आपका सेंड करना है, जैसे मुझे इस पीसी से, ये पीसी वन है, पीसी टू है, ठीक है, इस पीसी से इस पीसी में डेटा ट्रांसफर करना है, तो दोनों का एड्रेस जो है आईपी एड्रेस अलग होगा, ठीक है. इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, यूनिक होगा, तभी ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर होंगे सबका आईपी एड्रेस अलग होगा, सेम किसी का आईपी एड्रेस नहीं होगा. क्लियर? यस यस. जो होता है, जो डेटा वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर आप सेंड करते हो, तो उसमें क्या है, डेटा किस फॉर्म में आपका सेंड होता है, पैकेट्स की फॉर्म में. पैकेट्स मीन्स आपके जैसे समझ लो कि आपका एक टॉपिक है, टॉपिक है प्रोटोकॉल, ठीक है. प्रोटोकॉल के अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी है, तो एक पूरा टॉपिक है, ठीक है. मींस इसमें प्रोटोकॉल के बारे में डिफाइन किया, ठीक है, इस पूरे टॉपिक में प्रोटोकॉल के बारे में डिफाइन किया. तो इसके क्या होंगे, पैकेट्स होंगे. जैसे एक टॉपिक है आईपी इंटरनेट, दूसरा टॉपिक है टीसीपी, तीसरा टॉपिक है एचटीटीपी, तो वो पैकेट्स होते हैं. पैकेट्स मींस आईपी प्रोटोकॉल का अलग पैकेट होगा, आपका टीसीपी का अलग पैकेट होगा, एचटीटीपी का अलग पैकेट होगा. ये पैकेट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता है. क्लियर? यस मैम. बिकॉज फिर हिलने से पता नहीं चलेगा, यस और नो में रिप्लाई किया करो. यस मैम. ठीक है. तो डाटा किस फॉर्म में सेंड होता है, पैकेट्स की फॉर्म में. क्लियर और नॉट? हम क्लियर मैम. क्लियर. यस मैम. क्लियर. हम डाटा को डिवाइड करेंगे, ठीक है, और सेकंड हम क्या करेंगे, उसको सेंड करेंगे. तो आईपी एड्रेस के यूनिक होगा और सेंडर और रिसीवर का यूनिक आईपी एड्रेस होगा, तभी डाटा सेंड होगा, ठीक है. तो नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि जो भी आप क्वेश्चन करते हो पूरा उसको लिखने की जरूरत नहीं है. जो मेन पॉइंट्स हैं नहीं पता चलता है, क्वेश्चन के साथ जो होमवर्क मिलता है, क्वेश्चन के साथ अटैचमेंट होती है, उसको चेक कर लिया करो क्या लिखा है उसमें. आप पूरा ही लिख देते हो, आप पूरा ही लिख देते हो उसको. तो बुक में तो बहुत कुछ होता है, सब कुछ थोड़ी लिखना होता है, जो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर है वही देना होता है, ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज टीसीपी. टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल ट्रांसलेशन कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये फुल फॉर्म कर लेनी है, पेपर में आ सकती है फुल फॉर्म्स इसकी. ओके. डिफाइन डिफाइन द टर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी,
बेटा कैमरा ऑन करो, अदरवाइज मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगी वहां पे। अभिनव, अभिनव चौधरी, अभिनव 2967, अभिमन्यु सुपैया, बेटा कैमरा ऑफ करके क्या कर रहे हो आप लोग? लास्ट वार्निंग दे रही हूं। TCP stands for Transmission Control Protocol. Okay, read it beta. Bhavna. Bhavna Sharma. Yes, ma'am. Read this topic. Transmission Control Protocol. It is the protocol that puts the packets back in the right order. Yes. Matlab? TCP kya hai? TCP, Transmission Control Protocol, it is the protocol that puts the packet back in the right order. Same ही है, उसको क्या करेगा? सही right direction में, right उसमें क्या बोलते हैं, जैसे packets हैं, packets के ऊपर एक particular address होगा, particular address जो हम बात कर रहे थे, IP की, TCP की, ये टॉपिक है, ये पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड कर देंगे इसको हम, एचटीटीपी जो आपका नेक्स्ट है, तो इसको जब ये पैकेट होगा इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस, एड्रेस हमने इसको पहले दे दिया, इसमें आईपी के बारे में डिफाइन किया, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में डिफाइन किया है, इसका अलग से है, तो ये डिफाइन करता है, ठीक है, ये एग्जैक्ट उसको एग्जैक्ट एड्रेस देता है, क्लियर, राइट एड्रेस देगा, राइट ऑर्डर में उसको सेंड करेगा, क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अनन्या 2833। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hypertext transfer protocol. It is a set of rules for transferring files. Transferring files, text, graphic images, sound, videos, and other multimedia files on the World Wide Web. As soon as a user opens the window browser, the user is indirectly make use of the HTTP. HTTP yes. is an application. ओके स्टॉप। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? एचटीटीपी। एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप सबने देखा होगा जैसे कभी आप साइट ओपन करते हो, कोई साइट ओपन करते हो तो वहां पे क्या लिखा होता है? http://www। तो ये प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो किसी टेक्स्ट को, फाइल को, साउंड को, वीडियो को, इमेज को शो करता है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। जब आपकी आज क्लासेस हो जाएंगी तो वहां पे अगर आप कुछ सर्च करोगे ना गूगल पे क्रोम पे कुछ सर्च करोगे तो ये कुछ भी डाल देना वहां पे, ठीक है, तो वहां पे जो नेक्स्ट आपकी साइट होगी, कोई भी साइट ओपन होगी वहां पे, तो वहां पे HTTP लिखा होगा, इट मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बिना आपका ये एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स, विदाउट HTTP आपका वर्क नहीं करेगा, वो साइट ही नहीं बनेगी, साइट ही नहीं चलेगी, ठीक है। HTTP क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है, क्लियर? यस क्लियर। वर्ल्ड वाइड वेब में आप खुद चेक करना उसको आफ्टर द क्लास, आप क्या करोगे,
आप उसको चेक करोगे, जो भी आपका एड्रेस होगा जैसे www. जो भी वेबसाइट होगी तो यहाँ पे इस तरह का एक एड्रेस होता है, इस तरह का एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, ये सेट ऑफ रूल्स है। इसके इसी के साथ क्या होता है, आपकी जो इमेज है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, कोई भी वो आपकी शो होती है। क्लियर? यस मैम। नॉर्मल कुछ भी जैसे टाइप करते हो www.google.com तो वहां पे ये खुद ब खुद ही आ जाएगा, ये इनडायरेक्टली आपका वो चलता है, साथ में चलता है। अगर आप नहीं भी लिखते हो तब भी ये साथ में होता है, ठीक है? आप इनडायरेक्टली उसका यूज करते हो, आपको नहीं पता होता फिर भी आप इनडायरेक्टली उसका यूज कर रहे हो, ठीक है? Yes, ma'am. Is it clear or not? It is clear. Okay. I'm clear. Okay, good. Next, HTTP is an integration protocol. Yes. Internet protocol, दोबारा समझा दोगे? Yes, IP internet protocol क्या है? एक जैसे आईपी एड्रेस, हर कंप्यूटर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है। ये पीसी 1 है, ये पीसी 2 है, हर एक जितने भी वर्ल्ड में कंप्यूटर है उसका। जैसे मुझे कोई फाइल ट्रांसफर करनी है वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो इसको एक स्पेसिफाई कर रहा है, इसका एक एड्रेस है। जैसे आपका रियान है, मन्नत है, तो इनका अलग अलग एड्रेस है, इनके घर का अलग अलग एड्रेस है। वैसे कंप्यूटर का अलग अलग एड्रेस होता है जो उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है? जब भी डाटा सेंड होगा तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? आईपी एड्रेस, कोई भी जितने भी वर्ल्ड में कंप्यूटर है हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होगा। क्लियर? यस मैम। और डाटा जो है वो पैकेट की फॉर्म में सेंड होता है, ठीक है? वो इंटरनल प्रोसेस होता है। आपको लगता है एक साथ ही आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, नेट पे आप सर्च कर रहे हो व्हाट इज प्रोटोकॉल, तो उसके अंदर भी प्रोसेस होता है, उसके अंदर प्रोसेस होता है, वो डाटा पैकेट्स की फॉर्म में वो बनता है और आपको रिसीवर को, आप यूजर को वो डाटा मिलता है, बट वो इंटरनली आपको वो प्रोसेस इंटरनल होता है। और आप कि कंप्यूटर बहुत फास्ट मशीन है और ये हमें जल्दी से डाटा हमारे पास शो कर रहा है, बस इसके अंदर ये प्रोसेस होता है, पैकेट्स की फॉर्म में डाटा बनता है, पैकेट्स की फॉर्म में उसको डिफाइन करता है, उसके एड्रेस को डिफाइन करता है। क्लियर? यस मैम। एनी डाउट? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। ओके, नेक्स्ट है HTTP is an application protocol that runs on the top of the TCP/IP protocol. HTTP एक application protocol है जो without TCP/IP आपका कोई काम ही नहीं होता। Without TCP/IP ये क्या करता है? TCP/IP means transmission control protocol, ठीक है? और आईपी मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों वर्क करेंगे एक साथ तभी आपका जो साइट है वो चलती है, ठीक है? वो ओपन होती है, अंडरलाइन कर लो इसको, ठीक है? कर लिया अंडरलाइन सबने? यस यस मैम। पॉइंट्स कर लेते हैं इसके, फिर हम इसको की पॉइंट्स कर लेते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? शिवानी 1087। यस मैम। बेटा की पॉइंट्स रीड करने हैं इसके। शिवानी मैम कैन आई रीड? शिवानी बेटा हरी अप, 2857 सॉरी yes, ये तो शाश्वत है। शिवानी, शिवानी 1087 क्वेश्चन की पॉइंट्स बेटा।
पेज नंबर 14 मैम रीड कर यस रीड कर मैम साइज इज अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइस A network is a group of devices connected with one another. Second, yes, a computer network is a collection of computers. Yes, yes. A computer network is a collection of computer. Computer network कैसे create होगा? Collection of computer and peripheral devices. Peripheral devices मतलब उसके resources, उसके sources, ठीक है? Connected via communication link के साथ वो connect होंगे, ठीक है? Next है a file server. File server क्या है? File server is a computer that distribute files. Distribute करेगा files को या application program को from one computer to another computer. लाइक एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं ये पीसी वन है पीसी टू है ठीक है तो ये कैसे अपनी फाइल को ट्रांसफर करेगा अगर एक रिसोर्स क्या है इसका सीपीयू मैंने इसका सोर्स बना दिया ठीक है इस पीसी को भी मैंने इससे कनेक्ट कर दिया इस पीसी को भी मैंने इससे कनेक्ट कर दिया तो फाइल सर्वर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे सीपीयू काम करेगा फाइल सर्वर का तो वन कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में आपकी इंफॉर्मेशन को आपकी फाइल को ट्रांसफर करेगा क्लियर यस मैम पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सा हुआ पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हुआ इसमें बेटा पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सा हुआ इसमें सीपीयू हुआ ना पेरिफेरल डिवाइसेस जो आपके इससे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड ठीक है तो नेक्स्ट है योर कंप्यूटर इज अ वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क सबने यही आंसर किया योर कंप्यूटर मींस मैम कंप्यूटर मैम का कंप्यूटर है मैम आंसर चेक कर रही है मैम का कंप्यूटर है चेक करो योर कंप्यूटर इसका क्या मतलब हुआ मैडम का कंप्यूटर है जो भी नेक्स्ट लास्ट डे वीकली लास्ट टाइम जब वीकली टेस्ट हुआ था क्या लिखते हो आप योर कंप्यूटर ये आंसर होता है अ कंप्यूटर इज अ वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क अ कंप्यूटर बेटा आयुष मैम ये फिलिप्स पे आया है फिलिप्स पे यस मैम फिलिप्स पे बेटा फिलिप्स हम बाद में करेंगे पहले हम की पॉइंट्स कर रहे हैं इसके उसका ओवरऑल जो आपका कंक्लूजन होता है वो कर रहे हैं जो क्वेश्चन हमने जो चैप्टर रीड किया उसका कंक्लूजन क्या है वो रीड कर रहे हैं हम इसको क्या है क्या पॉइंट्स है इसमें ठीक है फिर है आपका नेटवर्क नेटवर्किंग जो बेनिफिट्स है नेटवर्क के वो है नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या है सिक्योरिटी है एडमिनिस्ट्रेटर है प्रोडक्टिविटी है और शेयरिंग रिसोर्सेज शेयरिंग प्रोडक्टिविटी शेयरिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग फाइल्स डेटा कुछ भी हो सकता है शिवम क्लास लगानी है या मस्ती करनी है बेटा क्या कर रहे हो क्लास लगानी है तो नेक्स्ट है आपका टोपोलॉजी टोपोलॉजी भी आपने रीड किया कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करना एक टोपोलॉजी द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिफरेंट डिवाइसेस ठीक है उसको कनेक्ट करना क्या है टोपोलॉजी और नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस द रूल्स रूल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स क्लियर ओके नाउ एक्सरसाइज पे आते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क अब कौन बताएगा व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क की पॉइंट्स में सब कुछ दिया हुआ है शिवम व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क शिवम नो हरिया बेटा शिवम टाइम वेस्ट नहीं करना है
वेरी गुड वंशिका, जिसको आंसर पता है अपना मैसेज ड्रॉप कर दो चैट बॉक्स में, ड्रॉप योर मैसेज। व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हुए अभी की पॉइंट्स में भी रीड किया हमने, सो रहे थे आप, की पॉइंट्स रीड क्यों करवाए मैंने, इसीलिए रीड करवाए क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के आंसर हैं आपके। विवाह, भावना, यस मैम, कैमरा ऑफ करके बैठे सब लोग, मैम क्या कह रहे थे, कंप्यूटर नेटवर्क, यस यस, विवाह शर्मा, यस कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। यस, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन लिंक। व्हाट इज अ वर्क स्टेशन What is a workstation? एक सिंगल लाइन में आंसर नहीं करोगे आप। A computer is a workstation or network? एक सिंगल लाइन में आंसर नहीं करना है आपको इसका। और क्या आंसर लिखोगे इसमें आप? Yes. A computer is a workstation on the network. It is connected to the other computers and devices by a communication channel such as a cable. Very good. ये मैंने कल भी आपको बताया था, उसको mark कर लेना वहाँ पे जिसने नहीं किया। Next है, what are the basic types of topology? ये कल ही question किया आपने। What are the basic types of topology? Vanshpal. What are the basic types of topology? मैम रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। ओके, स्विच इज यूज इन विच टोपोलॉजी? मैम स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द कंप्यूटर विच सर्व्स और डिस्ट्रीब्यूट्स द फाइल्स टू द नेटवर्क यूजर। नेम द कंप्यूटर, tell me what is the answer of this question? File server. Name the computer which serves or distributes the files to the network user. File server. Very good. File server. Yes. Next question hai. Name the topology in which all the nodes are connected to a central system. Topology का नाम बताना है जो central system जो switch के साथ connected है। Start topology में तो है ही नहीं central system, bus topology में तो cable होती है। कौन answer कर रहा है bus topology? Start topology सेंट्रल सिस्टम होता है, स्विच होता है, ठीक है, क्लियर कार्तिक? गुड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अ नेटवर्क कैन बी ऑफ एनी मैम साइज। वेरी गुड, साइज। जिसने फिल नहीं किया वहां पे फिल करो। योर कंप्यूटर इज अ डैश ऑन द नेटवर्क वर्कस्टेशन। वेरी गुड, अ डैश हैज अ पोर्ट where the network cable plugs in. NIC. किसने आंसर किया ये NIC? raise your hand. मैं मन्नत। मन्नत, very good. NIC has a port where the network cables plugs in. ठीक है, NIC में क्या होता है, port होता है जहां पे आप network cable को connect करते हो। Next है, a dash is a collection of local area network within a city. MAN. 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 MAN.
ऐसे बोलते लैन मैन वैन कैन कैन मैन तो ये क्या आएगा इसमें मैन अ मैन एम ए एन इज अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ सिटी एक सिटी के अंदर मीन्स मेट्रोपोलिटन एरिया मेट्रोपोलिटन मीन्स सिटी की बात हो रही है क्लियर नेक्स्ट है अ डैश टोपोलॉजी हैज मिनिमल स्टार टोपोलॉजी Yes. Write full forms of the following: land, local area network. Spelling आपकी सही होनी चाहिए. Ma'am. Spelling भी सही होनी चाहिए. Excuse me. Van. What is the full form of van? महक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आयुष वेरी गुड बेटा मैन सेंसोर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ओके नेक्स्ट पैन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क ओके नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वेरी गुड जिसमें आपके इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में क्या होता है पोर्ट होता है जहां पे केबल को प्लग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी आईपी आज ही ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरी गुड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए स्पेलिंग शुड बी करेक्ट ओके आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल अगर स्पेलिंग आपकी गलत हुई तो मार्क्स कटेंगे और फुल फॉर्म में फर्स्ट लेटर होता है ठीक है जैसे मैन है एम का मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया का एम कैपिटल होगा एरिया का ए कैपिटल होगा और नेटवर्क का एन कैपिटल होगा क्लियर यस मैम ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज सेक्शन बी इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग वेरी गुड नेटवर्किंग टिक करो उसको नेटवर्किंग सेकेंड क्वेश्चन इज यस मैम हम एक्सरसाइज नोटबुक में सिर्फ एक्सरसाइज ही करनी है ना यस सिर्फ एक्सरसाइज मैम ये फिलअप्स और एमसीक्यूज हम बुक में ही करने हैं जो फिलअप्स हैं वो बुक में करने हैं मैम एमसीक्यूज फिलअप्स मल्टीपल चॉइस फुल फॉर्म्स Yes, ma'am. जो होमवर्क मिलेगा वो मैं आपको वहां पे दे दूंगी हो सकता है होमवर्क में फुल फॉर्म्स भी आ जाएं फिलअप्स भी आ जाएं उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है उसको वहां पे नोटिस बोर्ड पे चेक करना है होमवर्क क्या है वो करना है